चॉकलेट शेक बनाने लगे। इसमें एक इलायची का जायका इस तरह से ऐड करेंगे। ये अरे चॉकलेट जी, और ये बिस्किट है, शुगर का हल्का सा इजाफा हो गया, इसमें हनी डाल दिया, हल्का सा मिल्क ऐड करेंगे। अभी ये हमारे पास आइस आ गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये चॉकलेट पेपर जो है ना, ये सर क्रीम की गार्निश की जा रही है, इसे देखने पर भी चॉकलेट शेक में खूबसूरती पैदा होती है। इसमें शेक ऐड करें, चॉकलेट शेक आ गया इसमें, ये पेपर्स बिस्किट और ओरियो की गार्निश की जा रही है चॉकलेट के। चॉकलेट आई शेक रेडी हो चुका है आपके सामने जी। तो फ्रेंड्स, अब ये जो शेक है ना, इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं। ओह ज़बरदस्त, अब देखेंगे मैंगो कितनी अच्छी क्वालिटी के पड़े हैं, ये मीठे पड़े हुए हैं, बाकी जो डेकोरेशन है ना वो काफ़ी खूबसूरत सी की हुई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजान, आप देख रहे हैं वीडियो विद अजान। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन जीडी रोड गखर मंडी पर, मेरी बैक साइड में मौजूद है अवामी फ्रेश जूस एंड आई शेक पॉइंट, और ये अवामी जो तिक्का शॉप है ना गखर मंडी में, उसके बिल्कुल आ गया। और गखर मंडी में सबसे अच्छी है जो आई शेक वाली या फ्रेश जूस वाली शॉप है। आज की वीडियो में देखेंगे इनके पास क्या क्या कुछ होता है। इसके अलावा यहाँ पर रिहान भाई होते हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे मज़ीद जो कुछ डिटेल्स है ना वो लेंगे। वीडियो में आगे चल के मैं आपको इनका एड्रेस बता दूंगा। अगर आप ये वीडियो किसी और सिटी से देख रहे हैं तो आपको जो एड्रेस है ना वो इजीली समझ आ जाता है। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जी। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने अवामी फ्रेश जूस एंड आइस शेक कॉर्नर, और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पर सेटअप इन्होंने किया हुआ है। और आपको लोकेशन दिखाता चलूँ, ये बिल्कुल साथ ही है, यहाँ पर अवामी टिक्का भी है, उसके बाद ये हाफिज़ रेस्टोरेंट है, मेन जीटी रोड है, वो सामने आपको नईम इलेक्ट्रॉनिक्स आई हो बोर्ड ब्लू नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा ये साथ ही है गौर में, और यहाँ पे भी कुछ फेमस कुछ चीज़ें हैं, पर ये मेन जीटी रोड गखर मंडी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी वैसे मेंशन है, बट हम खुद पूछेंगे भाई से, रेहान भाई से, कि इनके पास क्या क्या कुछ होता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पे सेटअप है, और गखर में सबसे अच्छी एक तो शॉप है, दूसरा हर किस्म की यहाँ पर जो वैराइटी है ना वो मौजूद है। देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो पेटियों में, अब देखेंगे मैंगो कितनी अच्छी क्वालिटी के पड़े हैं, ये मीठे पड़े हुए हैं, बाकी जो डेकोरेशन है ना वो काफ़ी खूबसूरत सी की हुई है। यहाँ पे आलू बुखारा पड़ा हुआ है और बनानास वगैरह, मतलब फ्रेश फ्रूट्स। अब फ्रूट्स की जो क्वालिटी है ना वो भी साथ साथ टेस्ट कर सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं ना वो पड़े हुए हैं। तो आपको अंदर जा कर रेहान भाई से मिलवाते हैं और उनसे मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ये होते हैं रेहान भाई, अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा रेहान भाई, ज़रा कुछ डिटेल्स तो बताएं आपके पास क्या क्या कुछ होता है। वैसे तो माशाल्लाह देखने से तो पता चल रहा है कि काफ़ी आइटम्स हैं, लेकिन वैसे बता दें जो अभी नज़र नहीं आ रही वो भी। जी अजान भाई, मेरे पास जैसा कि मौसम के रिलेटेड के हिसाब से देखा जाए, जो मौसम याद के चल रही हैं अभी, अनार मौसमी किनू, ये तो अभी सीज़न आउट में जा रहे हैं ना, तो इसके मुतबादल हमने जूस में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रखी हुई है, जिसमें आपको आलू बुखारा मिल जाएगा जो कि बड़ी नायाब चीज़ है, और गर्मियों का खास स्पेशल ड्रिंक जो है ना वो सारा था। उसके बाद आपको मिल जाएगा ग्रेप्स, मिल जाएगा ग्रेप्स विद मिंट मिल जाएगा, जो कि अभी मीठा स्टार्ट हो चुका है, ये मैक्सिमम 2 से 2.5 माह हमारे पास रहेगा। इसके अलावा आपको मार्गीटा मिल जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मार्गीटा हमारा बहुत स्पेशल होता है, और बड़ी बड़ी दूर से पब्लिक जो है ना इसे विजिट करने आती है, और साथ में जो है ना काम करती है। और इसके अलावा जूसेज में पाइनएप्पल वगैरह है हमारे पास, पाइनएप्पल, मार्गीटा, केवी, और इसके अलावा आलू भाड़ा, आरू, पीच, और इसके अलावा आपको मिल जाएगा शेक्स वगैरह मिल जाएंगे। शेक्स वगैरह में आपको कोकोनट शेक मिल जाएगा, मैंगो मिल जाएगा, इसमें पीच का मिल जाएगा, पाइनएप्पल शेक मिल जाएगा, और आई शेक की तमाम वैरायटी, आई शेक की तमाम जो है ना वो आपको मिल जाएगी। चॉकलेट शेक, खजूर शेक, ग्रेट्स विद बनाना, ग्रेट्स विद ओरियो, मैंगो बटर शेक, मैंगो क्रीम शेक, इसमें बड़ी सी वैरायटी शेक में और जूस में मुयसर की गई है अभी आपके सिटी में। अच्छा रेहान भाई, कितने अरसे से ये सेटअप कितने अरसे से चल रहा है, उसके बाद आप अपना बताएं आपका कितना एक्सपीरियंस? अजान भाई, बेसिकली हमारा जो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो लगभग तकरीबन 7 से 8 साल का है, और इसके अंदर 2 से 3 कंट्रीज़ का जो है ना मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो लगभग 2 से 2.5 साल के वक्फे जो है ना इसमें सर्फ गुजरा है, और इसके बाद मैंने प्रॉपर्ली जितना टाइम मेरा बेसिकली ज़्यादा गुजरा ना वो मैंने इसी अपनी शॉप में गुजारा है, ठीक है। मतलब टोटल आपका एक्सपीरियंस जो है ना जी वो 8 साल का है, ठीक है, और बाकायदा इस शॉप को काम शुरू किए हुए स्टार्ट किए हुए ये तो हमारा ओल्ड से है, मतलब कि हमारे काफ़ी पुराना काम है हमारा। हाँ जी, मतलब जो गखड़ के आई थिंक जो सबसे जो पुराने जो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उनमें से आप एक कह सकते हैं जी। अच्छा तो रेहान भाई, आपकी टाइमिंग क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक आके यहाँ पे लोग अंदोज हो सकते हैं आपके जूसेस शेक से, आइस शेक्स वगैरह से? टाइमिंग अजान भाई, ये लगभग 9 बजे शॉप वगैरह ओपन होती है हमारी, सुबह 9 बजे ठीक है। कितने बजे? सुबह 9 बजे ओपन होती है, और नाइट को 2 बजे तक, 2 से 2.5 बजे तक जो है ना मोस्टली हमारे टाइम हो जाता है क्लोजिंग करते हुए, मतलब सुबह 9 से रात के 2 बजे तक। अच्छा रेहान भाई, मैं नोटिस कर रहा हूँ, मतलब जो माशाल्लाह आपके पास जो वैरायटी है वो गखड़ में कोई है किसी के पास, या फिर सिर्फ आपके पास इतनी वैरायटी है? नहीं, उसकी सूरत गखर मंडी में तो नहीं है अभी, ना ही इतना सर्फ हुआ ना ये, मतलब स्टार्ट किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे जो है ना जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसको रेडिकेट करके हम देखा जाए तो गखर मंडी में अंदर
मेरी यंग एज पे किसी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है स्टार्ट से जो है ना इस काम को उधर जी में लाना और उस पर मेनटेन करना। अलहमदिल्ला इसके साथ ही साथ 2 से 3 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है ना एक्सपीरियंस है। ठीक है, और उसके अलावा वो गखर में और कोई नहीं है बकायदा जो है ना अलहमदा मेरी। ठीक है, मतलब आपने अगर कोई गखर में कोई अच्छा जूस कोई शेक आइस शेक कोई भी आपने पीना है ना आप एक ही पॉइंट पे आ सकते हैं। आपको कंप्लीट जो रेंज है कोई आपके यार दोस्त कोई मिल जुल के आप प्रोग्राम बनाते हैं कि यार वो कहता है मेरा ये पीने को दिल कर रहा है वो कहता है मेरा ये पीने को दिल कर रहा है आप यहाँ पे आ सकते हैं आपको जो कंप्लीट जो रेंज है ना वो मिलेगी। तो चलिए आप ऐसा करते हैं कि हम कोई एक आधी चीज़ बनते हुए देख रहे हैं हन भाई देखते हैं किस तरह से तैयार करते हैं और वो चीज़ आपको ना मैं टेस्ट करके आपको बता दूँगी कैसा टेस्ट है तो फिर वीडियो एंड करते हैं। जी अजान भाई अभी हम चॉकलेट शेक बनाने लगे। ठीक है, स्टार्ट पे इसकी मैंने चेक कर लिया। ठीक है और इसमें एक इलायची का जायका इस तरह से ऐड करेंगे ताकि इसमें टेस्ट भी मुफीद हो जाए। और ये अरे क्या चॉकलेट है। ठीक है जी, और ये बिस्किट है इसमें हमने आइसक्रीम का शुमार किया और इसमें और ये बिस्किट डाले हैं और इलायची का एक पीस डाला है वो खुशबू के लिए जो ना बड़े से साफ मंद होता है। इसके बाद हमने हल्की सी शुगर का इजाफा करेंगे और हनी का इस्तेमाल करेंगे। ये शुगर का हल्का सा इजाफा हो गया इसमें हनी डाल लिया। अभी इसमें हल्का सा मिल्क ऐड करेंगे इससे ग्लास की बुनियाद का पता चल जाता है कि हमारा कितना मटेरियल है और इसमें हम कितना आइस डाल रहे हैं। अभी ये हमारे पास आइस आ गया। ठीक है, ये इसे मेल्टिंग वेट कर देंगे इसे अपोजिट करके इसे ग्राइंड कर देंगे। ये चॉकलेट्स पेपर जो है ना इसी वजह से लगाए जाते हैं ताकि गार्निश भी प्यारी हो जाए और मज़ीद टेस्ट में साफ भी हो जाए। ये सर क्रीम की गार्निश की जा रही है इससे ये होगा कि टेस्ट भी मिल्टी हो जाएगा इससे देखने पे भी चॉकलेट शेक में खूबसूरती पैदा होती है और लोग भी बहुत लाइक करते हैं। हम इसमें शेक ऐड करें ये जो चॉकलेट आइस शेक बना रहे थे ये जो जाग आपको नज़र आ रही है ये इसकी खूबसूरती का सबसे बड़ी वजह है। चॉकलेट शेक आ गया इसमें स्पेशल होम और की आइसक्रीम अवेल करवाई है हमने ये जो इसकी गार्निश ऊपर से उतर रही है ये जा क्लीन हो जाएगी। ये पेपर्स बिस्किट और ओरियो की गार्निश की जा रही है और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चॉकलेट के। ठीक है, ये टेस्ट को भी बरकरार करती है उसे भी साफ करती है। ठीक है, चॉकलेट आइस शेक रेडी हो चुका है आपके सामने और इसकी जो प्राइस है ये 350 है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मियारी के साथ साथ टेस्टी। जी तो फ्रेंड्स अब ये जो शेक है ना इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं। ठीक है, अभी गर्मी की वजह से मेल्टिंग जो है ना काफ़ी हो रही है आइसक्रीम है इसमें। ओए हो ज़बरदस्त, गर्मी के इस मौसम में आपको पी के एक दफ़ा मज़ा आ जाएगा और स्पेशली जो चॉकलेट लवर्स हैं ना उनके लिए काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। और देखा आपने रिहान भाई ने बनाया भी इसको कितने प्यार से। ठीक है, तो इसकी प्राइस क्या बताई थी? 350 में कॉस्ट करेगा। तो बाकी रिहान भाई ने आपको बताया कि और भी काफ़ी सारी वैरायटी जो है यहाँ पे आप मतलब आपने कहना है कि रिहान भाई मुझे ये चीज़ दे दें आपको तैयार करके जो है ना यहाँ पर दी जाएगी। तो आई होप इनके जो सभी जो आइटम्स हैं ना वो काफ़ी टेस्टी होंगी। तो आप यहाँ पे आ गए तो कुछ भी पिए ना कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको टेस्ट कैसा लगा। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।